हेलो एवरीवन, उफ ये ग्रीटिंग का तरीका अंग्रेज सिखाकर चले गए और अब तक चल रहा है। जब अंग्रेज नहीं थे तब सोचा है हम लोग कैसे ग्रीट किया करते थे। खुशी की बात है कि आज भी कई सारे लोग हैं जो हमारी ग्रीटिंग के तरीके को फॉलो करते हैं, और इसमें से सबसे पहले आता है नमस्ते और नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ कनक और आप देख रहे हैं फंडू लर्निंग सिस्टम का साइंटिफिक कल्चरल सेगमेंट साइंस ऑफ संस्कृति पार्ट 2। वैसे तो सबके लिए नमस्ते की डेफिनेशन अलग है। किसी को लगता है नमस्ते मीन्स हेलो, तो कोई लोग सोचते हैं नमस्ते एक पोजीशन है जो हाथ जोड़ के की जाती। कईयों का तो ये मानना है नमस्ते करना यानी दूसरे के सोल, लव, काइंडनेस, ट्रुथ और ब्यूटी को ऑनर करना। कोई लोग तो ये बोलते हैं कि नमस्ते एक फ्रेज है जिसका मतलब है आई बो टू द डिवाइन इन यू। इट इज सेड दैट अ लिविंग बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 डिफरेंट एलिमेंट्स। फर्स्ट अग्नि मीन्स फायर, वायु मीन्स एयर, जल मीन्स वाटर, पृथ्वी तत्व मीन्स अर्थ एंड द लास्ट वन अक्षय तत्व मीन्स स्काई और वैक्यूम। देर इज अ कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ द सोल। द एलिमेंट वैक्यूम कैन नॉट बी हार्म इवन वन द होल यूनिवर्स इज डिस्ट्रॉयड। सो बाय जॉइनिंग द हैंड्स इन नमस्ते मुद्रा यू आर एक्चुअली कनेक्टिंग द टू एलिमेंट्स अर्थ एंड द वैक्यूम, एंड वेन दीज टू एलिमेंट्स कनेक्ट ईच अदर देर इज अ स्पिरिचुअल एनर्जी इन द ह्यूमन। नमस्कार करने के अपने साइंटिफिक रीजंस भी हैं। जॉइनिंग बोथ द हैंड्स एंश्योर द टचिंग द टिप्स ऑफ द फिंगर्स विच आर लिंक्ड टू द पॉइंट्स ऑफ ईयर्स, आईज एंड माइंड। प्रेसिंग देम हेल्प्स टू एक्टिवेट दीज एंड हेल्पिंग अस रिमेंबर दैट पर्सन फॉर अ लॉन्गर टाइम। लेकिन हाँ, अगर आप कोई ऐसे पर्सन को नमस्कार कर रहे हो जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, तो अनफॉर्चुनेटली वो भी हमें याद रहेगा। By shaking hand, there must be transfer of either positive energy or negative energy. But while doing namaste, there is only transfer of positive energy. और अब तो ये हमारे देश का नमस्ते करने का तरीका पूरे दुनिया में अपनाया जा रहा है कोरोना के वजह से। अब आता है वो रिचुअल जो हमेशा छोटे अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देने के लिए करते हैं, यानी कि पैर पढ़ना। सबके पास अपने अपने रीजन्स है पैर पढ़ने के लिए। कोई लोग दिल से पढ़ते हैं, तो कोई लोग माँ बाप की आँखों से डर कर रिश्तेदारों के पैर पढ़ते हैं, तो कोई लोग नाना नानी से पैसे लेने के लिए, और कुछ लोग फॉर्मेलिटी के लिए। पर मैं आज आपको बताऊंगी कि हम लोग असली में पैर क्यों पढ़ते हैं। इंडियंस बिलीव व्हेन अ पर्सन बोज डाउन एंड टचेस द फील्ड ऑफ हिज एल्डर्स हिज ईगो गेट्स एक्सप्रेस्ड, एंड दिस जेस्चर इंडिकेट्स रिस्पेक्टिंग एज, एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड विजडम। द एल्डर पर्सन देन इन टर्न ब्लेसेस द पर्सन हु टचेस द फीट। अब देखते हैं पैर पढ़ने के पीछे कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स। वी ऑल नो दैट नर्व्स कमिंग आउट ऑफ आवर ब्रेन आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। सो व्हेन यू टच योर फिंगर टिप्स टू द अपोजिट फीट ऑफ योर एल्डर्स, द एनर्जीज ऑफ द टू बॉडीज गेट कनेक्टेड। द फिंगर्स एंड द पाम्स बिकम द रिसेप्टर ऑफ द एनर्जी एंड द फीट ऑफ द एल्डर्स बिकम द गिवर ऑफ द एनर्जी। बोइंग डाउन हेल्प्स इन ब्लड सर्कुलेशन विच इज गुड फॉर हेल्थ। कुछ लोग तो इसे एक्सरसाइज समझ के भी कर लेते हैं, और कुछ लोग तो इतने आलसी होते हैं कि उनके हाथ मुश्किल से घुटने तक पहुंचते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ पैर पढ़ने का राइट वे। विदाउट बेंडिंग योर नीज, बेंड द अपर हाफ ऑफ द बॉडी, स्ट्रेच बोथ द आर्म्स एंड कीप द हेड बिटवीन द फीट। द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड शुड टच द राइट फीट। इससे बॉडी में यूनिफॉर्मली करंट फ्लो होता है। आशीर्वाद हमेशा राइट हैंड से दिया जाता है। तो ये था हमारे इस हफ्ते का साइंस ऑफ संस्कृति का एपिसोड। ये आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको भी हमारे कल्चर से छुपे कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स पता है तो हमें शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आप देख रहे हैं फंडू लर्निंग सिस्टम, जहाँ हम कोशिश करते हैं हर दिन आप तक लेके आने की कुछ अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग एजुकेशनल फैक्ट्स। फॉर दैट प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। धन्यवाद।